आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कॉकरोच में जो फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड होती है, इसका मेनली गिवन ऑप्शंस में से फंक्शन क्या होता है। अब हमें पता है कि कॉकरोच एक डायोशियस एनिमल होता है, या हम कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर हम मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो उसमें कौन से स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। ये इसके एब्डोमिनल रीजन में होता है, जैसा कि हमें पता है कॉकरोच की बॉडी पूरी सेगमेंटेड होती है और मेनली तीन पार्ट्स में इसकी बॉडी को डिवाइड किया जा सकता है। सबसे एंटीरियर पार्ट होता है इसका हेड, फिर थॉरेक्स आता है और फिर एब्डोमिनल रीजन आ जाता है। तो किस तरह से इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इसके एब्डोमिन में अरेंज्ड हैं, ये हम देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हो जाते हैं टेस्टिस, जो यहाँ हमें दिख रहे हैं। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके हमें फोर्थ से सिक्स्थ जो एब्डोमिनल सेगमेंट होंगे वहाँ पर इसकी बॉडी में लेटरली प्लेस्ड मिलेंगे, और इनमें से जो ट्यूब्स निकल कर आ रही होती हैं इनको हम वस डेफरेंस कहते हैं। तो जो स्पर्म्स टेस्टिस में बनेंगे, वस डेफरेंस उन्हें कैरी करता है, और फाइनली यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इजैक्यूलेटरी डक्ट प्रेजेंट है। तो ये वस डेफरेंस आगे जाके इस इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू ओपन हो जाते हैं, लेकिन पहले ये पास करते हैं सेमिनल वेसिकल्स में से। तो यहाँ पर जो हमें बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया कॉकरोच का सेमिनल वेसिकल। अब इसकी फेलिक ग्लैंड जिसके बारे में हमसे पूछा गया है वो यहाँ पर इस सेमिनल वेसिकल के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है कॉकरोच की फेलिक ग्लैंड या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, और इसकी सिक्रीशंस मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिप्रोडक्शन, ये तो सही बात है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर इसीलिए नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया। ये एक एक्सेसरी ग्लैंड की तरह एक्ट करती है कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक्सेसरी इसीलिए क्योंकि मेन तो हमारा टेस्टिस हो गया जो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन में इसका रोल है ये सही बात है, ग्रोथ और एक्सक्रीशन में नहीं होगा क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आ जाती है, एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोस्पोर्स, ये हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि कॉकरोच में जब कॉपुलेशन होती है, मेटिंग होती है मेल एंड फीमेल के बीच में, तो स्पर्म्स का जो एक्सचेंज होता है वो स्पर्मेटोफोर नाम के एक स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है। इसको हम कह सकते हैं कि स्पर्म्स के एक पैकेट टाइप बने हुए होते हैं जिनको एक कॉकरोच ट्रांसफर करता है, और माना जाता है कि ये जो फेलिक ग्लैंड है या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड है, यहाँ पर जो हम देख सकते हैं इसकी सिक्रीशंस स्पर्म्स के इन पैकेट्स को या स्पर्मेटोफोर्स को बनाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हम अपना सही आंसर मार्क कर देंगे, हालांकि बी भी सही है, लेकिन रिप्रोडक्शन की कौन सी प्रोसेस में, किस पार्ट में हेल्प करती है ये नहीं बताया हुआ है। तो जो ज़्यादा स्पेसिफिक है हमारा ऑप्शन ए, ये सही कर देंगे हम। फेलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड ऑफ मेल कॉकरोच मेनली हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोफोर्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।